में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आंवला लाई हूँ मार्केट से, जो बड़ा वाला है, बड़ा आंवला, और इसी का मुरब्बा बनाया जाता है बड़े आंवला का, क्योंकि इसका कस्सापन दूर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। जैसे छोटे आंवला रहता है उसमें कसावटपन रहता है, और ये बड़े आंवले में कस्सापन नहीं रहता। तो मैं बड़ा आंवला मंगाई हूँ मार्केट से मुरब्बा बनाने के लिए, और ये बहुत बड़ा बड़ा है, हल्का सा पीला पीला टाइप का हो गया है, जो बहुत अच्छा रहता है मुरब्बा के लिए। जब भी आप मुरब्बा बनाते हो तो इस तरह से बड़ा वाला ही आंवला लेना, क्योंकि बड़ा वाला आंवला अच्छा रहता है मुरब्बा बनाने के लिए। तो मैं ली हूँ बड़ा वाला आंवला, 1 केजी आंवला है, और इसको अच्छे से धो के पानी पानी रखी हूँ उबालने के लिए गंजी में, और इसी में डाल रही हूँ। जिस आंवले को अच्छे से धो ली हूँ पहले, तो सब धुल गया है और ये उबाला गया है, तो इसमें डालते जाऊँगी। थोड़ा सा उबालूंगी 1 मिनट के लिए, क्योंकि जल्दी उबल जाता है जो कशावटपन रहता है, वो दूर हो जाता है उबालने से, इसीलिए उबाला जाता है। और मैं 1 केजी मिश्री ली हूँ, और मैं मिश्री में बनाने जा रही हूँ। आप चाहते हो तो शक्कर में भी बना सकते हो, गुड़ में भी बना सकते हो, तो मैं मिश्री ली हूँ तो मिश्री में ही बनाऊँगी। तो इसको थोड़ा सा जार में डाल के पीसूँगी इसको, और इसको पाउडर की तरह बनाना है, तो मैं इसको पीस लेती हूँ मिश्री, और मिश्री को इसको बारीक पीस ली हूँ, पाउडर पूरा पाउडर बन गया है इसका मिश्री का। इसी तरह से सभी मिश्री को पीसते जाऊँगी। मैं 1 किलो आंवला ली हूँ तो 1 किलो मिश्री ली हूँ। अगर आधा किलो आंवला लेते हो तो आधा किलो मिश्री लगेगा। वैसी सेम शक्कर भी है, जैसे एक आधा किलो आंवला लोगे तो आधा किलो शक्कर लेना पड़ेगा। आ गया है, और इसको बंद करती हूँ मैं, और ये उबल चुका है, ज़्यादा नहीं उबालना है इसको, थोड़ा सा, एक उबाल आने के बाद इसको निकाल देना है। और ये सारा मिश्री को पाउडर बना ली हूँ मैं। एक के जी मिश्री है, इसमें का पानी निकाल ली हूँ। निकालने के बाद देखो इस तरह से हो गया, और इसको ऐसे करके छेद करना है चारों तरफ, क्योंकि जो चाशनी रहता है वो अंदर तक जाए, इसलिए इस तरह से कर लेना है। अभी तो गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद सभी तरफ को इस तरह से कांटे वाले चम्मच से। और सभी को कढ़ाई में डाल दी हूँ, और इसमें डालती हूँ मैं आंवला। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस को चालू कर दी हूँ, और इसमें रख चुकी हूँ, और थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा पानी
पानी ली हूँ आधा कप टाइप का और इसमें डाल रही हूँ। और ये सब जो मिश्री था वो पिघल चुका है, धीमी आंच में पकने देना है इसको जब तक ये चाशनी तार की तरह ना बने, एक तार की तरह ना बने तब तक इसको उबालते रहना है धीमी आंच में। डूब चुका है चाशनी में पूरी तरह। और इसमें मैं ले रही हूँ छोटा इलायची है और इसको ऐसी डाल रही हूँ, कूट के नहीं डाल रही हूँ, ऐसी खड़ी। इससे स्वाद बढ़ जाता है मुरब्बे का। दो तीन लेके इस तरह से छील के इसमें डाल देना है। इस तरह से बनाओगे आप मुरब्बा तो कभी ख़राब ही नहीं होगा। और ये चाशनी में अच्छे से पक रहा है आलू। इसको पंखे की हवा में डाल देती हूँ क्योंकि ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं डिब्बे में डालूँगी इसको। ये है स्पेशल आंवले का मुरब्बा और इसका चाशनी देखो कितना अच्छा दिख रहा है। कलर इसका बहुत अच्छा आया है। इस तरह से कांच के बर्तन में, कांच का जो डिब्बा रहता है उसमें डाल देना है। अगर कांच का डिब्बा नहीं है तो आप खरीद लो। अगर खरीदने का औकात नहीं है तो प्लास्टिक के में भी डाल सकते हो। अच्छा। लेकिन कांच के में ज़्यादा अच्छा रहता है तो कांच के में ही डालती हूँ मैं। ऐसा ये दिख रहा है ना गुलाब जामुन की तरह।